हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। गुरुवार को चंडीगढ़ में इनलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद ने ये ऐलान किया। ऐसे में अब हरियाणा में इनलो और बसपा एक साथ चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनलो और बसपा नेता ने यह भी जानकारी दी कि वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त प्रेस वार्ता में इनलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इनलो और बसपा का गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव में इनलो 53 सीटों पर तो वहीं बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आकाश ने कहा कि इनलो बीएसपी की हरियाणा में सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इनलो बीएसपी का गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं आगे भी सभी छोटे बड़े चुनावों में रहेगा। अभय चौटाला ने बताया कि हम दोनों पार्टियों ने मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया है। यदि हरियाणा में सरकार बनी तो स्नातक तक बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, वो चाहे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो। अभय चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बुजुर्गों को 7,500 रुपये पेंशन देंगे, साथ ही पानी फ्री दिया जाएगा और बिजली के बिल 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि ये सब कार्य पूर्ण किए जाएंगे। हर गृहिणी को हर महीने एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। किसान आंदोलन पर बॉर्डर से बैरिगेट हटाने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का अभय चौटाला ने स्वागत किया और कहा कि किसान दिल्ली जाएगा तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। वहीं दिल्ली को पानी देने पर अभय चौटाला ने कहा कि उनका पानी बंद करना चाहिए ताकि वहां के लोग और नेताओं को एहसास हो कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी पंजाब हमें SYL का पानी नहीं दे रहा है। बीते दो चुनावों की बात की जाए तो हरियाणा में इनलो का ग्राफ गिरा हुआ है। जहां 2014 के हरियाणा विधानसभा में 88 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं 24.2 वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती। वहीं 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सेसटों से एक सीट पर आई, वहीं लोकसभा में तो पार्टी का खाता ही नहीं खुला। अब ऐसे में इनलो के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले चुनाव में अपने घटते हुए जनाधार को कैसे बचाया जाए। साथ ही पार्टी के स्टेट पार्टी के दर्जे पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।